की दो राज्यसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। बीजेपी एक सीट पर उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज रही है और दूसरी सीट पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा को प्रत्याशी बनाया है। आज दोनों उम्मीदवार ने नामांकन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत दोनों पार्टियों के नेता मौजूद रहे। राज्यसभा के लिए दोनों का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत दोनों पार्टियों के नेता इस मौके पर मौजूद थे। राज्यसभा में आपको भेजा जा रहा है, कितनी मजबूती मिलेगी बीजेपी को और क्या कहें, कितनी खुशी है सर? ये समय बताएगा, लेकिन शीर्ष नेताओं ने, माननीय मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा जी ने, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने ये जो निर्णय लिया है वो कुछ सोच समझ के लिया है और इसका भरपूर फायदा आगामी विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में पार्टी को मिलेगा, ये निश्चित। अभी प्राथमिकता क्या होगी सर? प्राथमिकता पहले होगी पार्टी को मजबूत करना, जनसंपर्क, सरकार को मजबूत करना, जनसंपर्क, बुद्धिजीवियों को पार्टी से ज्यादा से ज्यादा जोड़ना और उनकी रुचि पार्टी में ले आना। कॉलिजियम सिस्टम को खत्म करने के लिए लगातार हमने पहले सदन से सड़क तक आवाज उठाई है, इस बार फिर से सदन में जाने का मौका मिला है। हम कॉलिजियम सिस्टम के को हटा करके नई व्यवस्था लाने की बात फिर से करेंगे और इसका एक परिणाम तक इसको हम पहुंचाएंगे। जानकारी के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल 2 साल का होगा, जबकि मनन मिश्रा 4 साल के लिए राज्यसभा के सदस्य रहेंगे। मनन मिश्रा कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं तो उपेंद्र कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा नाम से अपनी पार्टी बना रखी है। कुशवाहा 2024 में बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़े थे लेकिन जीत नहीं सके। अब उन्हें राज्यसभा भेजने का बीजेपी ने फैसला लिया है। पटना से TV9 के लिए सुजीत कुमार की रिपोर्ट।